ये टॉपिक एक लड़की ने सजेस्ट किया था और एक लड़के ने भी। दोनों की प्रॉब्लम के फेस अलग थे लेकिन उनकी प्रॉब्लम सेम थी कि इन प्रेजेंट मोमेंट उनका क्रश उनकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। क्रश मतलब वो इंसान जिनको आप पसंद करते हो और उनका ख्याल जा ही नहीं रहा है आपके दिमाग से। तो इट्स सो डिस्टर्बिंग दैट मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ अपनी स्टडीज पे, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब पढ़ नहीं पा रही हूँ टाइप वाला डिस्ट्रैक्शन। तो इफ़ आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ वो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनो, समझो और जब जब डिस्ट्रैक्शन हो तब इन पॉइंट्स को याद करो, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे उन चीज़ों में जिन पर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहोगे। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. It's your suggested video, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ऐड किया और ये दोनों मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के यूजर नेम हैं। मेक श्योर टू चेक माई फीड एंड गिव योर फीडबैक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। नंबर वन, स्टॉप वैल्यूइंग देयर गुड लुक्स। हाँ माना कि वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन उनका अच्छा दिखना आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिलाएगा। अगर आप फेल हुए ना तो वही अच्छा दिखने वाला इंसान आपकी तरफ देखेगा तक नहीं। हाँ ऐसे ही करते हैं लोग, स्कूल टाइम से ही आपके काबिलियत के बेस पे आपको जज करते हैं, मतलब इसीलिए सब टॉपर के आसपास ही नज़र आते हैं, उसके आजूबाजू घूमते रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो दोस्ती अच्छा करता है जो टॉपर है, इसलिए क्योंकि वो टीचर का फेवरेट होता है या तो फिर वो हमें कुछ सिखा सकता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में जेन्युइनली किसी को चाहना या किसी पे क्रश करना इज नॉट अ गुड आइडिया। गुड लुक्स आपकी आइज़ को प्लेजर देते हैं बट गुड लुक आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी, मालूम होंगी, उतनी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट फील करोगे। एंड रिमेंबर, ब्यूटी फेड्स अर्लियर देन इंटेलिजेंस। नंबर टू, ये एक टाइम पीरियड तक ही रहने वाला है और क्रश का क्या है, वो तो क्लास के बाद भी रहेगी, वो प्लेग्राउंड में रहेगी, कैंटीन में रहेगी, कॉरिडोर में रहेगी। लेकिन ये जो टीचर जो यहाँ पे बता रहा है वो सिर्फ इसी क्लास में ही बताएंगे, वो टॉयलेट में लिख के नहीं आएंगे तुम्हारे लिए नोट्स। और हमारे टाइम में तो इतनी जल्दी मिटा देते थे ना, मैं सोचती यार ये क्या है, मतलब खुद ही लिखा, खुद ही देखा और खुद ही मिटा दिया, अब मैं कैसे पढ़ूँ। फिर मैं बाजू वाले का देख के लिख लेती थी, एग्ज़ाम का नहीं बता रही हूँ, क्लास का बता रही हूँ। नंबर थ्री, इफ़ इट्स मेंट टू बी योर्स इट विल मेक अ वे, एंड अगर नहीं है तो देर इज़ नो वे। टीनेज में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब बस यही लास्ट है, यही इच्छा है, मेरे को यही मांगता है, और लेकिन ब्रो जो तुम मांग रहे है वो नहीं मिला तो डिप्रेस होएगा। नहीं, इफ़ वो आपको अपने लायक नहीं समझ रही है तो इफ़ वो यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो तो आपको यहाँ पे आना है ताकि ये जो इस वक्त आपको अपने लायक नहीं समझ रही है ये आपको अफोर्ड ना कर पाए। मतलब लाइफ इज़ अबाउट यू, यू कैन चेंज योर सराउंडिंग्स बाय चेंजिंग यू। और आप कैसे चेंज करोगे, अच्छा स्कोर करके लाइफ में अच्छी पोजीशन पे आके आप अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल बनाओगे कि जो फ्रेंड सर्कल या जो सोसाइटी के जो लोग आपको अच्छा नहीं समझते थे या आपको इतने ज़्यादा यू नो रिस्पेक्टफुल नज़रों से नहीं देखते थे वो आपको रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखने लगे, तब आपको एक्चुअल में खुशी मिलेगी। और वो खुशी आपकी क्रश का मिलना नहीं होगा, वो खुशी ये होगी कि आपने कुछ अचीव किया, यू हैव डन समथिंग। आप चाहते तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते, आप चाहते तो आप आलस कर देते, बट नो यू डिड इट, ऐसी वाली खुशी। नंबर फोर, ट्रिक्स टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई से ध्यान इसलिए भी भटकता है क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं वो हमें वर्थ ही नहीं लगती है कि अरे इसको जान के मैं क्या करूँगा, इसका कोई मतलब नहीं है डैड, मतलब फिर हमारा माइंड तलाशने लगता है कि वॉट एल्स आई कैन डू जो मीनिंगफुल हो, जो मेरे लिए बना हो। कभी सोचा है ये ध्यान तब क्यों नहीं आता जब आप पढ़ नहीं रहे होते हो, जब आपके हाथ में बुक नहीं होता है, जब आप क्लास में नहीं होते हो, तब क्यों नहीं ये सोचते? क्योंकि यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस थॉट, ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है। और इसको हटाने के लिए आपको ये बिलीव करना होगा कि ये पढ़ाई ही आपको एक सेंसिबल इंसान बना रही है और इस सोसाइटी की नज़रों में आपको रिस्पेक्ट दिला रही है और दूसरों की नज़रों में आपकी लाइफ को बेहतर दिखा रही है। बाकी तो फिर बाद में आप जो बनना चाहोगे वो बनोगी, उससे रिलेटेड कोर्स करोगी। और मैं एक रियल इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक 3 साल का बेबी, वो जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है और उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके पापा जब आए ऑफिस से तो उसने अपने पापा को देख के बोला कि मेरे को भी स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता, मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरे को भी स्कूल नहीं, मेरे को भी ऑफिस जाना है पापा की जैसे बाइक पे, स्कूल नहीं जाना बस से। एंड आई वाज लाइक यार
इस बच्चे को ऑफिस जाना बड़ा कूल लग रहा है, बट होता तो नहीं है ना, कितनी ज़्यादा वो रहता है ना स्ट्रेस और प्रेशर वाला काम। सो वैसे ही टीनेज में लोगों को क्रश, रिलेशनशिप, प्यार ही बड़ा कूल लगता है, बट होता नहीं है। नंबर 5, बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज नॉट अ सॉल्यूशन। इफ आपको लगता है कि क्रश अभी डिस्ट्रैक्शन है, तो इफ वो आपको रिलेशनशिप के लिए हाँ बोल देगी, तो फिर आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, मतलब ये जो वो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी और आप खुश रह पाओगे। मतलब स्कूल टाइम में या कॉलेज में ऐसा लगता है कि दूसरे कपल्स को देख के कि वो बहुत खुश हैं, पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आप नहीं जानते उनका रिलेशन कैसा है अंदर से, वो दोनों जो दिखा रहे हैं औरों को वो दोनों वो एक्चुअल में फील करते हैं या नहीं। तो रिलेशनशिप इज़ नॉट कूल जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हो, इस काबिल नहीं हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको इमोशनली मेंटली, तब तक के रिलेशनशिप इज़ नॉट कूल और वो आपको हैप्पीनेस नहीं देता है। एंड इफ आप उनके लिए एक्स्ट्रा नाइस बनते हो, उनके काम करते हो ये सोचकर कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब वो फ्यूचर में आपको डेट करने लगेंगे, तो नो जी हुजूरी, वोंट मेक देम लव यू। अब आप पढ़ने के लिए कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ? इफ़ आप पढ़ते नहीं हो, स्टूडेंट नहीं हो, काम करते हो, फिर काम करो, स्ट्रेस फ्री रहो, एंड इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।